हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ मोहम्मद अल्ताफ एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में 6 पार्ट हो गया है, जिसमें से हम लोगों ने 53 क्वेश्चंस कर लिए। उसके आगे पार्ट 7 और क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक, कह रहा है 7% ऑफ SP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 8% ऑफ CP एंड 9% ऑफ SP इज वन मोर देन 10% ऑफ CP। फाइंड CP ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, SP का 7% जो है, 7% ऑफ SP इक्वल टू 8% ऑफ CP। ठीक है, और नीचे क्या कह रहा है, 9% ऑफ SP, 9% ऑफ SP ये क्या है, एक मोर देन, इसको बाद में करते हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, 7% ऑफ SP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 8% ऑफ CP। ठीक है, इतना दिया 7% SP का, 8% CP के बराबर है, तो यहाँ से CP अपॉन SP किया, CP अपॉन SP क्या होगा, CP यहाँ रहेगी, SP इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, 7/8 है ना। अब दोनों में क्या करते हैं, दो दो जीरो लगा देते हैं। ठीक है, 700 ऊपर हो गया, नीचे 800, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, रेशियो में कट जाएगा ना, कोई फ़र्क पड़ेगा, लगा दिए। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है 9% ऑफ SP, SP का 9%, इसका 9% इज वन मोर देन 10% ऑफ CP। इसका 9% कितना होगा, 972 होगा ना, और इज मोर देन 10% ऑफ CP, 10% CP। CP का 10% कितना होगा, 10% CP का कितना होगा, 700 का 10% 70 है ना, कितना ज़्यादा है, 2 है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज रुपी वन मोर, एक मोर है, दो नहीं, एक, दो की वैल्यू कितना है, 1 रुपये है। ठीक है, 1 रुपये है, तो हमें पूछा क्या है, फाइंड द CP ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल की CP बतानी है, 700 की वैल्यू बतानी है, 2 की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू आधी होगी है ना, 1/2 होगी, और 700 की वैल्यू 350, यही हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ में, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। हो गया, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द MP ऑफ अ पेन बाय ₹32, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%, इफ द CP बी ₹320, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डज ही मेक इफ ही सेल्स पेन एट द MP। ठीक है, कह रहा है एक पेन की MP को 32 रुपये कम करने के बाद भी शॉपकीपर 15% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, कह रहा है अगर SP इफ द CP भी 320, CP 320 हो, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डज ही मेक इफ ही सेल्स पेन एट MP, अगर MP पे बेचता है तब कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं, कह रहा है 32 रुपये घटाने के बाद भी 15% प्रॉफिट उसे हो रहा है, MP से 32 रुपये घटाने के बाद भी 15% प्रॉफिट हो रहा है। अगर कह रहा है CP 320 हो और इसको मार्क प्राइस पे बेचा गया हो तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। ठीक है, 15% प्रॉफिट है, 15% का मतलब 3/20 यही होता ना, 15% 3/20 मतलब 20 से 23। अब हमें CP दे रखी है, CP कितना दे रखी है, 320 है ना, SP क्या होगी, 20 की वैल्यू 32 दे रखी है, 1 की वैल्यू इससे काटा 16, 23 की वैल्यू 16 दे 48, 16 गुना 32 36, 368, 23 की वैल्यू 368 निकल गया है। ठीक है, अब कह रहा है, अब देखो यहाँ पे CP था, इधर देखो यहाँ पे CP था,
यहाँ एसपी था, यहाँ कहीं एमपी रहा होगा, है ना। इतने पे ख़रीदा था, इतने पे बेचा, और इतना मार्क हुआ था, इतना मार्क हुआ था लेकिन बेचा इतने पे, ठीक है। कह रहा एमपी से 32 रुपये कम किया ना, आफ्टर रिड्यूसिंग द एमपी ऑफ अ पेन बाई 32, एसपी इतना आ गई, 32 इस पर कम हुआ है, मतलब 32 ऐड करेंगे तो एमपी निकल के आ जाएगी। एमपी कितना निकल के आएगी, 400 एमपी आ गई, ठीक है। एमपी क्या आई, 400 एमपी आई, मार्क प्राइस 400 है। अब क्या कह रहे हैं, एट वॉट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डज ही मेक इफ़ ही सेल्स पेन एट एमपी, अगर इस पर नहीं एमपी पे बेचा होता तब कितना परसेंट प्रॉफिट होता, ठीक है। सीपी हमारी, ये सीपी है 320 सीपी है, और एमपी हमारी 400। कह रहा अगर इस पर ना बेच के 368 पे ना बेच के इस पर बेचा होता 400 पे, तब कितना परसेंट प्रॉफिट होता, कितना परसेंट होता, कितना ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है, कितने में से 320 है ना, 320 में 80 ज़्यादा है, इंटू 100, इसको ऐसे काट सकते थे, 832, 1/4, 1/4 का मतलब, 1/4 का मतलब 25% ना, 25 × 100 होता है ना, 25% आंसर, ठीक। नोट करिए जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 12% प्रॉफिट, बी सेल्स इट टू सी एट 9% लॉस, इफ सी पेस 15,288 फॉर इट, देन एट व्हाट प्राइस इज द आर्टिकल परचेज्ड बाय ए, ठीक है। ए क्या करता है, किसी आर्टिकल को बी को बेचता है कितने में, 12% प्रॉफिट पे, ठीक है। बी सी को बेच देता है 9% लॉस पे। अब कह रहा है अगर सी ने 15,288 रुपये दिए हैं तो कितने ए का प्राइस बताना है तुमको, ठीक है। ए का सीपी क्या था, तो यहाँ ए लिख लेते, इधर बी इधर सी। ए ने क्या किया, 12% प्रॉफिट, 12% का मतलब, 12% का मतलब 3/25 है ना, 25 से 28 हुआ, 25 पे 3 का प्रॉफिट 28 हुआ, ठीक है। और ये सी बी क्या करता है, बी सी को बेच देता है, ठीक है, कितने पे, 9% लॉस, 9% लॉस का मतलब 100 से 91 होगा, 9% लॉस है ना। अब इसको पहले करेंगे इक्वल, ठीक है। इसको इक्वल कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इसमें 700 दोनों का एलसीएम होगा, ठीक है। इसमें होगा 7 से मल्टीप्लाई, 963, ठीक है, 637 इधर आया, और ये इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा, 74, ये होगा 625, इसमें होगा 25 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 625, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, देखिए सी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,288, ठीक है, 15,288 दे रखी है सी की वैल्यू, हमसे पूछा 625 की वैल्यू, ठीक है। तो इसको पहले काट दे, कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, कितना आएगा, 37 दूना कितना होता है, 75, 12, 74, दो बार गया, फिर बचा कितना, 4, 12 × 5, और यहाँ पे 2। अब कितनी बार जाएगा, अराउंड 4 के अराउंड जाएगा ना, 24 आएगा यहाँ पे शायद, 2 बार 4 बार 24। अब एक की वैल्यू 24 आ गई, 625 की 24 × 625 करेंगे, 15,000 ना, ये आंसर है, ठीक है। ठीक है, रिपीट करना है, रिपीट तो नहीं करना है, चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सेल्स अ गुड एट,
ए सेल्स आर गुड टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल्स इट टू सी एट प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ सी पेज 2 to 5 फॉर इट, व्हाट वाज द सीपी फॉर इट। ठीक है, कह रहा है ए ने बी को कितने में 20% प्रॉफिट में बेचा, ए ने बी को 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब 1/5, 5 से 6। अब बी क्या करता है, सी को 25% प्रॉफिट में बेचता है, 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4, 4 से 5 है ना, 25% प्रॉफिट। अब इसको करेंगे इक्वल, दोनों को करेंगे इक्वल है ना, इन दोनों को करेंगे इक्वल, इक्वल करने के लिए दोनों को बनाएंगे 12 बनाने के लिए इसमें पूरे से 2 से मल्टीप्लाई, इसमें पूरे से 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 10, 12, यहाँ पे 15। ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा है सी अगर 225 दे रहा है तो हमें एक इसकी ए की सीपी बतानी है। ठीक है, 15 की वैल्यू 225 दे रखी है तो 10 की वैल्यू बतानी है, 15 की वैल्यू 225, एक की वैल्यू कितना आएगी, एक की वैल्यू 15, 10 की वैल्यू 150, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन बॉट 2 horses एट रेट ऑफ 80,000 ईच, इफ ही गेन 16% प्रॉफिट ऑन सेलिंग फर्स्ट हॉर्स एंड सोल्ड सेकेंड हॉर्स एट लॉस एंड बियर्स ओवल और लॉस ऑफ ₹4,300, फाइन SP ऑफ सेकेंड हॉर्स। ठीक है, एक आदमी 2 horses को खरीदता है कितने में, 80,000 एक एक का 80,000। ठीक है, अगर पहले बेचने पे 16% प्रॉफिट और सेकंड को कुछ लॉस पे बेचा, ठीक है, सेकंड का कितना परसेंट दिया वो नहीं दिया, ठीक है, ओवरऑल जो लॉस हो रहा है उसे 4,300 का है, 4,300 का ओवरऑल लॉस हो रहा है, तो हमें SP बतानी है दूसरे वाले हॉर्स की। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 horses है, कितने के, 80,000 के। ठीक है, पहले पे क्या हो रहा है, 16% प्रॉफिट, 16% प्रॉफिट का मतलब कितना प्रॉफिट, 16 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,144,000। ठीक है, 14,400 का प्रॉफिट पहले पे हुआ। ठीक है, अब दूसरे वाले में इसका भी 8,000 है लॉस हो रहा है, इस पर कितना लॉस वो नहीं दिया, लेकिन ओवरऑल जो लॉस हो रहा है, ओवरऑल लॉस हमें 4,300 का दिया है। ठीक है, यहाँ देखेंगे, ठीक है, ओवरऑल लॉस 4,300 का माइनस में हो रहा है। अब यहाँ ऐसा क्या रहा होगा कि यहाँ 4,300 माइनस में, यहाँ प्लस हो रहा था ना, 14,400 प्लस हो रहा था, लेकिन अब माइनस में हो गया, कितना ओवरऑल 4,300 माइनस में हो गया, तो ऐसा यहाँ क्या रहा होगा कि इतना माइनस हो गया, इसके लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 18,700 है ना, 18,700 यहाँ लॉस में इसको बेचा। ठीक है, कितना लॉस में बेचा, हमें क्या पूछा है, SP और सेकंड हॉर्स, दूसरे हॉर्स की SP बतानी है। ठीक है, 8,000 में ख़रीदा था, 18,700 लॉस में बेचा है दूसरे वाले को, ये सेकंड वाला है। ठीक है, 18,700 इतना लॉस में बेचा है, तो SP क्या हो जाएगी, इसको इससे माइनस करेंगे, 61,300 आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये पूरा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई गेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग अ हॉर्स फॉर ₹3,100 एंड अ बुफेलो फॉर ₹1,300, आई इनकर लॉस ऑफ 10% इफ आई सेल हॉर्स फॉर ₹3,150 एंड अ बुफेलो एट इट्स CP, फाइंड डिफरेंस ऑफ CP ऑफ हॉर्स एंड बुफेलो। कह रहे हैं
मुझे 10% का प्रॉफिट होता है कब, अगर एक हॉर्स को 2100 में और बुफैलो को 1300 में बेचता हूँ तो, ठीक है। और मुझे लॉस होता है 10% का अगर हॉर्स को इतने में बेचे, कितने में, 3150 में, और बुफैलो को कितने में, उसकी सीपी पे बेच दे, बुफैलो को प्राइस वगैरह नहीं दिया दूसरे वाले में, उसकी सीपी पे बेच दे। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ सीपी ऑफ हॉर्स एंड बुफैलो, हॉर्स और बुफैलो का सीपी का डिफरेंस बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है कब, इधर हॉर्स लिख लेते, इधर बुफैलो, कितने में बेचा हॉर्स को, 3100 में, है ना, बुफैलो को 1300 में, है ना, टोटल कितना हो गया, 3100 हो गया ना, 3100 44। अब कह रहा है ये 10% प्रॉफिट पे है, ठीक है, 10% प्रॉफिट पे बेचा, 10% प्रॉफिट हो रहा था ना 4400 पे, 10% प्रॉफिट हो रहा था, नहीं 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 कहाँ, ये 3100 है ना, पहले वाली लाइन देखो, पहले में 3100 है ना, पहले 3100 में बेचा, फिर 1300 में, ये दोनों 44 है, तो दूसरा वाला केस है अगर ऐसा हुआ होता तो, ठीक है। अभी इस पर फोकस करो, 3100 हॉर्स का, अब बुफैलो का 1300, ठीक है, दोनों 4400 हो गया। कह रहा है ये 10% प्रॉफिट पे है, ठीक है, 10% प्रॉफिट पे इतना है, तो सीपी क्या होगी, 10% प्रॉफिट मतलब ये 11 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू कितना होगी, 4000 होगी, है ना, समझ में, ये सीपी होगी, 4000 सीपी होगी। अब कह रहा है अगर इफ़ आई सेल हॉर्स फॉर इतना, अगर मैंने हॉर्स को 3150 पे बेचा होता, अब वो फैलो को उसकी सीपी पे बेचा होता, उसकी सीपी पे दिया नहीं कितना सीपी है वो फैलो की, ठीक है, सीपी, फाइंड डिफरेंस ऑफ बोथ द, अच्छा 10% लॉस यहाँ दिया है, यहाँ 10% लॉस, ठीक है, लिखा है इनका लॉस है, आयन का लॉस ऑफ 10%, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है 10% इस वाले केस में अगर 3115 पे हॉर्स को और सीपी बुफैलो को सीपी पे बेचा होता तो 10% लॉस होता, सीपी इतना है, 10% लॉस, 10% का मतलब 4000 का 10% 400 है ना, तो एसपी क्या होगी, 3600, यहाँ 3600 इसकी एसपी होती है, ठीक है, ये समझ में आएगी, नहीं तो हमें अब यहाँ से हम इसकी बुफैलो की सीपी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये 3150 है, ये 3600, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो सीपी इसकी निकल जाएगी, है ना, तो इसको इसमें से माइनस किए, ये 450 हमारी बुफैलो की सीपी आ गई, ठीक है, ये बुफैलो की सीपी समझ में आई नहीं, 450 आया ना, ठीक है, 450 आ गया। अब ओवरऑल सीपी कितना है, 4000 है ओवरऑल सीपी, ये है ना, दोनों का सीपी 4000 है, बुफैलो का 450 है, तो हॉर्स का कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 3550, ये हॉर्स की सीपी आई, ये हॉर्स वाली सीपी है, बुफैलो वाली 450, ये बुफैलो की, ठीक है, ये दोनों की सीपी समझ में आई। अब हमसे क्या पूछा है, दोनों की सीपी के सीपी का डिफरेंस बताना है, ये 3550 है, ये 450, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3100, यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, दोनों का डिफरेंस समझ में आया ना। डिफरेंस ऑफ सीपी,
आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन कैलकुलेट्स 14.28% प्रॉफिट है एट एसपी, फाइंड हिज प्रॉफिट एट सीपी। ठीक है, एसपी पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, 14.28%। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 1/7 याद है कि नहीं, 1/7 होता है ना। अब ये कह रहा है एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है, तो ये हमारी एसपी है जिस पे, ठीक है, ये एसपी है, प्रॉफिट हो रहा है मतलब एसपी ज़्यादा है, सीपी कम होगी, कितना कम होगी, ये ऊपर वाला कम, एक कम, ठीक है, मतलब 1/6 का एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1/6 है ना, 1/6 का मतलब परसेंटेज में पूछा है, फाइंड इज प्रॉफिट एट सीपी, सीपी पे 1/6, 1/6 का कितना होता है, इंटू 100 करेंगे ये आएगा 50/3 मतलब 16.67% ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, वन शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट एट सीपी एट सेकेंड एट एसपी, बोथ गेन्स प्रॉफिट ऑफ 20% इफ एसपी ऑफ बोथ इज सेम एंड डिफरेंस ऑफ बोथ द प्रॉफिट इज ₹35 देन फाइंड एसपी। ठीक है, एक शॉपकीपर अपना प्रॉफिट सीपी पे और एसपी दोनों पे कैलकुलेट करता है, 20% प्रॉफिट होता है। ठीक है, कह रहा इफ द एसपी ऑफ बोथ इज सेम, दोनों की एसपी अगर सेम है, डिफरेंस ऑफ बोथ द प्रॉफिट इज इतना। ठीक है, दोनों का प्रॉफिट कितना है, ₹35, तो एसपी बतानी है। ठीक है, एक शॉपकीपर क्या करता है, सीपी और एसपी दोनों पे 20%। ठीक है, कह रहा है 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 से 120 होगा। ठीक है, सेकेंड एंड एसपी, ठीक है, 20% एसपी पे जब होगा, इस पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी पे जब 20% प्रॉफिट होगा, तो 12 का 20% 24। ठीक है, एसपी सेम है अगर दोनों की, और डिफरेंस ऑफ बोथ द प्रॉफिट इज ₹25, ये जो डिफरेंस दिया है ये ₹35 दिया है, मतलब 4% की वैल्यू हमें कितना दे रखी है, ₹35। ठीक है, एसपी बतानी है, 120 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 4% की वैल्यू 35, 120% की 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी करेंगे 30 से मल्टीप्लाई, तो 1050 ये हमारा आंसर है। ठीक है, रमेश मेक्स एन आर्टिकल एट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, रमेश मेक्स 800 आर्टिकल्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹2.8 पर आर्टिकल, ही फिक्स द सेलिंग प्राइस सच दैट इफ ओनली 600 आर्टिकल्स आर सोल्ड ही वुड हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द आउटले, हाउएवर 180 आर्टिकल्स गॉट स्पॉइल्ड एंड ही वॉज एबल टू सेल 620 आर्टिकल्स एट दिस प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, कह रमेश क्या करता है, 800 आर्टिकल को ₹2.5 पर आर्टिकल के हिसाब से बनाता है। ठीक है, और कह रहा है और सेलिंग प्राइस फिक्स करता है ऐसा कि 600 आर्टिकल को बेचने पे उसे 20% का प्रॉफिट हो गया, 600 आर्टिकल बेचा, 20% का हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ऑन द आउटले, ठीक है, हाउएवर 180 आर्टिकल्स क्या हुई, स्पॉइल हो गए, ख़राब हो गए। ठीक है, और ही वॉज एबल टू सेल 620 आर्टिकल्स, 620 आर्टिकल्स इस प्राइस पे बेचा जिस पे 20% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो हमें ओवर एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। ठीक है, 800 आर्टिकल का सीपी कितना है, 2.5, एक का 2.5 है, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 16 × 20, ये 20,000, 2,000, ठीक है, 2,000 सीपी हो गई। अब क्या कह रहा है, ही फिक्स सेलिंग प्राइस सच दैट इफ ओनली 600 आर्टिकल्स आर सोल्ड देन
ही मेड प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का प्रॉफिट हुआ मतलब 12 का 20, 2000 का 20% कितना हुआ, 400। 400 का प्रॉफिट कितने पे हो जा रहा है, 600 की 600 पे है ना, 600 600 आर्टिकल बेचने पे 400 का प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, मतलब एसपी कितना है, 2400 है, ये एसपी दर है। ठीक है, 600 आर्टिकल की एसपी कितना आई, 2400। अब कह रहा है 180 आर्टिकल ख़राब हो गए, तो उनकी तो सेलिंग प्राइस ज़ीरो है ना, 180 की ज़ीरो है, वो हमें 20 बचा है। तो इसी रेट पे, जिस रेट पे ये बेचा है उसी पे 620 आर्टिकल बेचा है। ठीक है, अगर 600 को 2400 में बेच रहा है 600 आर्टिकल को, तो 620 आर्टिकल को कितने में बेचेगा, एक आर्टिकल को इससे काटा 4 रुपये में बेचेगा है ना, एक आर्टिकल 4 रुपये में। तो 620 आर्टिकल को कितने में बेचेगा, 84 के मल्टीप्लाई 4×8 2448 में बेचा। तो हमें फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 480 का एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है ना, रुपीज़ में बताना ना, परसेंटेज में, रुपीज़ में दिया हो तो रुपीज़ में अगर आंसर हो तो ऐसे, परसेंटेज में दिया हो परसेंटेज में ऐसे कर लेंगे। 480 का प्रॉफिट कितने में, 2000 में, इनको 100%, ये दोनों कैंसिल, 24%, ये आंसर। ठीक है, ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा कि रुपीज़ में पूछा है या परसेंटेज में। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।